हेलो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ़ फोर सो द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ़ फोर इज़ सुपर इजी जस्ट हैव टू कंसंट्रेट ऑन द होल वीडियो सो इस वीडियो में हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे फ़ोर का कि कोई नंबर फोर से डिविजिबल है या नहीं ये हमें कैसे पता चलेगा बगैर उसको डिवाइड किए सो so, ये अब हम देखते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक एग्ज़ाम्पल से ही स्टार्ट करेंगे बिकॉज एग्जाम्पल से जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्लियरली और ईज़ीली होती है हमारे पास नंबर है सिक्स फोर टू फोर तो चेक करना है कि आइधर ये नंबर फोर से डिविजिबल है या नहीं सो so, आइए देखते हैं कि हम इसके लिए क्या करेंगे फोर से डिविजिबिलिटी के लिए हम हमें क्या करना है हमें नंबर की वंस प्लेस और टेंथ प्लेस को देखना है ये है हमारी वंस प्लेस ये है हमारी टेंथ प्लेस और फर्दर आगे है पर फोर के लिए हमें जस्ट ये प्लेस देखनी एक वंस और एक टेंथ सिंपली आप ऐसे कह सकते हैं कि नंबर के एंडिंग वाले दो नंबर्स पर नंबर के एंडिंग वाले दो नंबर्स ये कहना थोड़ा अनफॉर्मल हो जाता है कि अगर अगर आप किसी को एक्सप्लेन कर रहे हो तो ये वंथ और टेंस प्लेस पे अगर कोई नंबर फोर से डिविजिबल है या फ़ोर का मल्टीपल है तो इसका मतलब है कि वो पूरा नंबर फ़ोर से डिविजिबल होगा अब जैसे यहाँ पर ट्वेंटी फ़ोर है ट्वेंटी फ़ोर क्या फोर के टेबल में आता है ट्वेंटी फ़ोर अगर आप फोर के टेबल्स पढ़ते हैं तो फोर सिक्स जार ट्वेंटी फ़ोर होता है तो हाँ फ़ोर के टेबल में ट्वेंटी फोर आता है सिक्स टाइम्स तो इसका मतलब है कि ये नंबर फोर से डिविजिबल है तो हम इस पूरे नंबर को क्या कंसिडर करें, करेंगे कंसिडर करेंगे डिविजिबल बाय फोर हम प्रूफ के लिए इसको डिवाइड करके देखते हैं सिक्स फोर टू फोर को लॉन्ग डिविज़न मेथड से सो so, हमारे पास नंबर है सिक्स फोर टू फोर अब हमें इसको डिवाइड करके चेक करना है कि क्या ये नंबर हमने जो uh, हमने जो फाइंड किया है उसके थ्रू ये नंबर डिविजिबल हो रहा है या नहीं तो so, सबसे पहले हम इसको फ, आ, फोर का ही टेबल लगेंगे बिकॉज हम चेक कर रहे हैं कि इधर ये फोर से डिविजिबल है तो यहाँ वन टाइम्स टू रिमाइंडर यहाँ सिक्स फोर सिक्स आर ट्वेंटी फोर देन यहाँ पे ऊपर एक जीरो जाएगा बिकॉज हम दोनों नंबर्स को एक साथ नीचे ला रहे हैं डिवीज़न में देन फोर सिक्स आर देखें ये नंबर फोर से डिविजिबल है क्योंकि हमारे पास रिमाइंडर जीरो आ चुका है सो so, इससे हमें यह पता चला कि डिविजिबिलिटी रूल फोर का ये था कि अगर कोई नंबर के जो वंस और टेंथ प्लेस पे जो क्या नाम है वैल्यूज़ आ रही हैं अगर वो फोर से डिविजिबल हैं तो ये पूरा नंबर फ़ोर से डिविजिबल होगा एक और एग्जांपल लेते हैं हमारे पास एक नंबर है एट नाइन सिक्स टू अब अगेन हमें वंस और टेंथ वाली वैल्यूज़ देखनी है तो सिक्स टू क्या फोर से डिविजिबल है ये देखते हैं चलें अब अगर सिक्स टू को फोर से डिवाइड करना है तो यानी कि ये फोर वन जार फोर और टू उधर चले जाएंगे तो फोर फाइव जो ट्वेंटी होता है तो नहीं ये नंबर फोर से डिविजिबल नहीं है एक और एग्जांपल लेते हैं एट सिक्स फोर ज़ीरो अब ये वन प्लेस ये टेंस प्लेस अब फोर्टी के अगर फोर के डबल में, में आता है फोर्टी ऑब्वियसली फोर के डबल में आता है टेन टाइम्स तो इसका मतलब है कि ये नंबर फोर से डिविजिबल होगा सो so, इस टॉपिक की हम समरी की तरफ मूव करते हैं तो कोई भी नंबर फ़ोर से जब डिविजिबल होगा जब उसके वंस प्लेस और टेंथ प्लेस पे जो नंबर आ रहा है वो फोर का मल्टीपल हो या इधर वो फोर से डिविजिबल हो हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया सिक्स फोर टू फोर ट्वेंटी फोर फोर के टेबल में आता है इसीलिए ये नंबर फ़ोर से डिविजिबल है फर्दर इसको प्रूव करने के लिए हमने यहाँ पे लॉन्ग डिविजन मैथड से इसको डिवाइड करके देखा तो जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर ज़ीरो आया इसका मतलब ये फ़ोर से डिविजिबल है एक और नंबर हमने लिया एट एट नाइन सिक्स टू अब यहाँ पे हमने देखा कि सिक्स टू जो है वो फोर से डिविजिबल नहीं है इसका मतलब ये पूरा नंबर फोर से डिविजिबल नहीं होगा उसके बाद हमने एक और नंबर लिया सिक्स फोर सिक्स एट सॉरी एट सिक्स फोर जीरो हमने जो नंबर लिया एट सिक्स फोर जीरो फोर जीरो जो है वन और टेंस प्लेस पे और ये फोर केटबल में आता है तो इसका मतलब ये नंबर फोर से डिविजिबल है मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा इस तरह की मजीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी सारे नोटिफिकेशंस रिसीव हों थैंक यू